फेसबुक में ईमेल आईडी चेंज कैसे करें, हाउ टू चेंज ईमेल आईडी इन फेसबुक। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये होता है कि जब आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो आपका जो ईमेल आईडी होता है वहाँ पे आप टाइप तो कर देते हो, बाद में या तो आप उस ईमेल आईडी को भूल जाते हो या उसके पासवर्ड को भूल जाते हो, या फिर अगर आपको कोई भी नया ईमेल आईडी भी अपने फेसबुक अकाउंट में जोड़ना है तो फिर दोस्तों आप हमारे आज के इस वीडियो को देख कर समझ कर सीख सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें। तो इसके लिए दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ही दोस्तों जब आप अपने मोबाइल के फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाता है। आपको ईमेल आईडी जोड़ने के लिए या फिर दोस्तों चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली दोस्तों आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। ये जो आपका है प्रोफाइल का आइकन, सिंपली दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे दिए गए सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करना है या फिर कोई भी नया ईमेल आईडी जोड़ना है तो उसके लिए एक ही प्रोसेस है, वो क्या है, यहाँ पे आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स का ये जो ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही जब आप इसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ये जो ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी जो भी आपने यहाँ पे दिया होगा वो सभी ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी है तो फिर दोस्तों आपको उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू अकाउंट या ऐड न्यू कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। सिंपली दोस्तों हम ऐड ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी जो है वो टाइप कर देते हैं। उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है, यहाँ पे फेसबुक पे सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों जब आप इतना कर देते हो, आपके मेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि दोस्तों आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगा। सिंपली अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के जीमेल में आना है। जीमेल में आने के बाद में आपने जो भी अकाउंट यहाँ पे दे रखा था, सिंपली दोस्तों आपको उस अकाउंट को ओपन करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उसमें एक ओटीपी आ गया होगा यहाँ पे, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। सिंपली दोस्तों इस ओटीपी को यहाँ से हम टाइप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कॉपी करने के बाद में सिंपली दोस्तों हम यहाँ से बैक आ करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे, हमारा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो सबसे ऊपर वाला मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, यही मेरा ईमेल आईडी है। और ये जो दो मेरा ईमेल आईडी है, मैं इसे अभी रिमूव करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ। तो वो कैसे हटता है, सिंपली दोस्तों हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें रिमूव ईमेल पे एक बार क्लिक कर देना होगा, हमारा जो ईमेल आईडी है वो हट जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको अपना पासवर्ड देना होगा। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड जो है वो टाइप करा और यहाँ से हमारा वो ईमेल आईडी जो है हट चुका है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपना कोई भी ईमेल आईडी जोड़ना हो तो आप किस तरीके से जोड़ पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।